हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल उर्दू टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो ऐसी एप्लीकेशन की मदद से आप किस तरह से अपने एंड्रॉयड डिवाइस का डेटा रिकवर कर सकते हैं जो भी आपकी गैलरी से डिलीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये 100% वर्किंग है। अगर इस बारे से कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपने कॉमेंट सेक्शन में चलकर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना है तो आपने एक आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा, आपने उसको पूरी तरीके से पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ जाएगी उन एप्लीकेशन का यूज़ क्या है और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर आप अगर आपने गूगल खोल देना है, यहां पर आसिफ टेक आपने टाइप कर लेना है और यहां पर जो आसिफ टेक एके वाली वेब ब्लॉग्स पर इसको आपने ओपन कर लेना है। यहां पर ये वाली जो आर्टिकल है इसको आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अब ये रीड इसलिए कह रहा हूं, अगर यहां से नहीं मिल रहा तो आपने यहां पर सर्च बार पर क्लिक करके यहां पर इसको वाले से पढ़ लेना है। अब ये इसलिए कह रहा हूं कि इसकी मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया है कि अगर आपके एंड्रॉइड डिवाइस से डेटा डिलीट हो जाता है तो उसको पूरे तरीके से रिकवर कैसे कर सकते हैं, और बाकी मैंने नीचे वीडियो भी यहां पर एम्बेड करके रखी हुई है। अगर फिर भी समझ नहीं आप आ रही तो आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहां पर यह करना होगा कि आपने दो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा। एक है, यहां पर आपने प्ले स्टोर पर जाना है, सबसे पहली वाली एप्लीकेशन का वो डिस डिगर। इस एप्लीकेशन का मकसद यही है कि आपके फोटोज वगैरह को ये रिकवर करके देती है। इसके अलावा वीडियोज का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये प्रो वर्जन के लिए है। प्रो वर्जन यानी कि अगर आपका फोन रूटेड है तभी यह वर्क करेगा, अगर अनरूटेड है तो सिर्फ आपकी थंबनेल्स और पिक्चर्स की आपको रिकवर करके देगा। अब ये के लिए याद रखना है कि यह पूरी तरीके से रिकवर नहीं करेगा जब तक आपका फोन रूटेड नहीं हो। तो दूसरा, आपको जो एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ वो आपको मिलेगी यूसी बुलेट, ठीक है। अब यूसी बुलेट का यहाँ पर ये कमाल है कि यूसी बुलेट फिलहाल के लिए आपकी पिक्चर्स और वीडियोस को हाइड करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि एक बुलेट के तौर पर आप इसको अपने ड्राइव डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेटा रिकवरी के लिए भी आपको ये कमाल की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। अब वो कैसे, क्योंकि इसकी सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप मेन्यू के लेफ्ट साइड से आप यहाँ पर उसका मेन्यू ओपन करने की कोशिश करेंगे तो आपको रिकवरी ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिकवरी डेटा का। आपने वहां पर जस्ट क्लिक करना है तो आपको जितनी भी फाइल्स हैं ये स्कैन करके आपके नीचे ले आएगा वहां पर मोबाइल फोन में, और उसके बाद वहां से जो भी आपकी चीजें डिलीट हो चुकी हैं या आपको लगता है कि वो आपने चीजें रिकवर करनी है तो उनको सिलेक्ट करके आप रिकवर कर सकते हैं। और उसके बाद जितना भी आपका डेटा जो रिकवर करेंगे वो आपकी गैलरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन आपने सिलेक्ट करके यहां पर रिकवर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो वहां से चेक कर लेना है कि आपका अगर जो फालतू डेटा है वहां से आप डिलीट भी कर सकते हैं जिन्होंने वैसे ही आपकी एंड्रॉइड डिवाइस की मेमोरी को घेरा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। अगर मसला होता है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं या फिर लिंक पर क्लिक करके उस आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।